हाय बचपारी वेरी वॉन्ग वेलकम टू द चैनल दिस इज योर सुपर एजुकेटर शिप्रा मिश्रा एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन तो हाफी लीज बहुत करीब आ चुके हैं और अभी प्रेपरेशन फुल स्विंग में शुरू हो चुका है यार आपके दिमाग भी चल रहा होगा कि अगर हाफी लीज इतने करीब आ चुके हैं तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मुझे पहले करने चाहिए या कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है देखिए हाफ ईयरली में वैसे तो जिसे मिड टर्म भी कहते हैं कुल वाले आधा सिलेबस देते हैं That means, अगर आपके टोटल यू you नो know, आठ चैप्टर्स हैं फ्लेमिंगो में तो चार चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे अगर आपको uh, टोटल यू you नो know, छह चैप्टर्स आपके विस्तार में है तो उसमें से तीन चैप्टर्स हो सकता है आपसे पूछे जाएं। और ऐसा ही कुछ एक दो या तीन आपकी पोम्स भी होती है लिटरेचर में तो अगर हमको ऐसा देखना है कि हम कौन सा आ, कौन कौन सी चीजें तो हाफ ईयरली में बिल्कुल हमें करनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आ, फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको बताती हूँ आप सोच रहे होंगे मैम क्या बोल रही है रुकिए पूरा वीडियो देखिए देखिए अगर हम लोग हाफ एयलीस की बात करते हैं तो हाफ एयलीस के अंदर भी हमारा अस्सी नंबर का पेपर बन रहा है अब ये जो अस्सी नंबर का पेपर है इसके अंदर हमारा पैटर्न वही फॉलो हो रहा है आपको वही रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको मिल जाएगा अच्छा इसके साथ में आपको देखने को मिल रहा है आपका वही राइटिंग सेक्शन टॉपिक राइटिंग सेक्शन के वेरी कर सकते हैं और लिटरेचर के अंदर आपको देखने को क्या मिल रहा है आपके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स या पोम्स ठीक है अब देखो जब मैं हाफेलीस की तैयारी की बात आपके लिए करती हूँ तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगी कि आप जीतोड़ मेहनत कर लीजिए रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन के लिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तीर से दो निशाने लगेंगे अगर आप रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन को फुल्ली प्रिपेयर कर लेते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि अभी से अभी तक अगर रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन पे ध्यान नहीं दिया है तो अभी से कम से कम आप उसको लेकर सतर्क हो जाएंगे और फाइनल के लिए कहीं ना कहीं एक, तो एक बार में प्रिपेयर हो जाएंगे ये एक ऐसा टॉपिक है जो फाइनल तक के लिए सेम चलेगा इसमें हाफ एर में इसमें कोई इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं होने वाला है ये वही टॉपिक है जो आपके अभी हाफ एड में जैसे आ रहा है वैसे फाइनल में आएगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हाफ एय के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्योंकि इसका वेटेज भी उतना ही रहने वाला है आपके हाफ एय में जितना बोर्ड में रहने वाला है और इसके साथ साथ में इसकी आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाने वाली है ठीक है तो ये है ऐसी चीज जो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कराएगी उसका फल भी आपको फाइनल तक मिलेगा कमिंग टू राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर अब देखिए ये थोड़ा सा स्कूल के हाथ में होता है कि कौन कौन से चैप्टर्स वो अपने मिड टर्म्स के अंदर देना चाहते हैं अफकोर्स मिड टर्म्स के लिए जैसे कि अफकोर्स इसका टर्म कहता है कि ये आधा सिलेबस इसमें होना चाहिए बट बहुत सारे स्कूल्स अलग अलग यू नो अपने दिमाग में धारणाएं लेकर अलग अलग टॉपिक्स आपको देते हैं राइटिंग सेक्शन में आपके क्या टॉपिक्स आते हैं उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगी बट फिर भी आपको राइटिंग सेक्शन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नोटिस राइटिंग अगर आपकी इनविटेशन राइटिंग भी आ रहा है तो बिल्कुल आप उसे कर लीजिए आपको यहाँ पर नोटिस राइटिंग तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है इसलिए करना है क्योंकि नोटिस राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा अगर आपको हाफ हाफिडी के अंदर भी नोटिस राइटिंग आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए फाइनल में भी आएगा ये कंपलसरी क्वेश्चन है अगर आपके स्कूल वालों ने आपको इनविटेशन भी करवा दिया है तो बिल्कुल इनविटेशन भी करके जाइए क्योंकि ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके कंपलसरी हैं ये शॉर्ट राइटिंग टास्क के अंदर कंपलसरी क्वेश्चन है तो पहले जैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप प्रिपेयर कर लेते हैं राइटिंग सेक्शन में नोटिस राइटिंग और इनविटेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कमाल की बात यह है कि नोटिस राइटिंग और इनविटेशन जो है ये पचास वर्ड्स की वर्ड लिमिट रखते हैं इस वजह से इन्हें लिखने में समय भी कम लगता है और इनसे आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलने के चांसेस हैं ये आपको चार चार नंबर एकदम बढ़िया फोकट के दिलवा सकते हैं अगर आप एक बार इनका बेस अच्छे से समझ जाए तो तो इन पे आप फोकस करेंगे तो आप इंग्लिश के अंदर कम से कम राइटिंग सेक्शन में काफी निश्चिंत रहने वाले हैं अब जिन बच्चों को राइटिंग सेक्शन के अंदर लॉन्ग राइटिंग टास्क या लेटर्स भी पूछे जा रहे हैं आपको बता देती हूँ कि राइटिंग सेक्शन में उन दोनों टॉपिक्स में ऑप्शंस होते हैं अब देखिए क्या है कि आपको जैसे अगर हम लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में ऑप्शन मिलता है आपको एग्जाम में फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ फाइनल एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में ऑप्शन मिलता है अब कभी कभी ये स्कूल वाले मिड टर्म्स के अंदर इस तरीके के ऑप्शन दे देते हैं और कभी कभी क्योंकि आधा ही सिलेबस होता है आपसे कंपल्सरीली कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पूछ लेते हैं जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने स्कूल में जॉब एप्लीकेशन करा दिया लेटर टू एडिटर नहीं कराया है तो आपसे कंपल्सरीली जॉब एप्लीकेशन पूछ लिया जाएगा अगर मान लीजिए उन्होंने रिपोर्ट राइटिंग करा दिया आर्टिकल राइटिंग नहीं कराया है तो रिपोर्ट राइटिंग पूछ लिया जाएगा जबकि एग्जाम में इसका कोई नहीं है। आप कर सकते हैं, आपको आर्टिकल लिखना, 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 लिखना है तो आप राइटिंग सेक्शन तो में एक बार के लिए जो लॉन्ग कंपोजिशन और आपका लेटर वाला पार्ट है उसे आप अपनी चॉइस पे प्रिपेयर कर सकते हैं चॉइस पे इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने ये चारों टॉपिक्स देख लिए आपने जॉब एप्लीकेशन लेटर टू एडिटर देख लिया है आपने आर्टिकल राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग देख लिया है तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि कौन सा वाला मैं चूज करूंगा फाइनल एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे लेटर टू एडिटर लिखने लेटर टू द एडिटर लिखने में बड़ा मजा आता है क्योंकि उसके अंदर वो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे उनको क्रिएट करने में फिर सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है कुछ बच्चे कहते हैं कि वो उनके लिए बहुत बोरिंग है जॉब एप्लीकेशन उन्हें काफी अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द पेटेंट बॉडी जो मैं देती हूँ तो अब ऐसे में वो बच्चे जॉब एप्लीकेशन परस्यू करेंगे या जॉब एप्लीकेशन ऑप्ट करने वाले हैं अपने फाइनल एग्जाम्स में तो यहाँ पर बिना बात लेटर टू तो एडिटर को सब छोड़ कर प्रिपेयर करने का मतलब नहीं है एग्जाम से एक दिन पहले देख कर चले जाए तो बात हो जाएगा सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको आर्टिकल राइटिंग इतना अच्छा नहीं लग रहा है रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छा लग रहा है पर आपके एग्जाम में सिर्फ आर्टिकल राइटिंग आपसे पूछा जा रहा है रिपोर्ट राइटिंग सिलेबस में नहीं था मिड टर्म के तो वो यहाँ पर एग्जाम से एक दिन पहले देख चले जाएंगे तो हो जाएगा क्योंकि लॉक आंसर राइटिंग क्वेश्चंस में और लेटर राइटिंग के अंदर ऑप्शंस हैं चॉइस आती है इस वजह से अब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं अगर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक आपकी चॉइस भी है तब आप उसे नोटिस राइटिंग और इनविटेशन के बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं हमारे लिटरेचर के अब देखिए लिटरेचर में वैसे तो आपके फ्लेमिंगो और विस्तास में से आधे आधे चैप्टर्स हम मान के चलते हैं ठीक है फ्लेमिंगो और आपके विस्तास में से आधे आधे चैप्टर्स हमने मान लिए हैं अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप लोग के सामने आता है वो ये है कि आप बहुत बार फ्लेमिंगो के प्रोस को ही ध्यान देते हो उतना ज्यादा तवज्जो जो है इसके पोएट्री सेक्शन को नहीं देते हो ये गलती आपको नहीं करनी है सबसे पहले अगर आपको फ्लेमिंगो में कुछ प्रिपेयर करना है तो वो है आपकी पोएट्री क्यों क्योंकि देखिए क्योंकि पोएट्री जो है पोएट्री को बहुत बार आप लोग इग्नोर करते हैं पोएट्री एक्चुअली क्या है काफी ज्यादा स्कोरिंग है आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ इंटरप्रिटेशन कुछ डिवाइसेस का ध्यान रखना है अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी और आप कितना अच्छा लिख सकते हैं वो काम आएगा आपको बड़े बड़े चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने नहीं पड़ रहे हैं बीस बीस पेज के तो पोएट्री को आपको पहले करना चाहिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे पोएट्री को लाइटली लेते हैं और उसपे से क्वेश्चन भी काफी अच्छे बन जाते हैं अगर आप सैंपल पेपर भी देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोएट्री से आए हैं तो आपको पहले पोएट्री जो है वो कंप्लीट करना चाहिए आपकी अगर मान लीजिए माय मदर एट 66 या क्वाइट आ रहा है या तीन पोम्स आ रही है माय मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी तो पहले आपको पोएट्री पे फोकस करना चाहिए उसे कवर कीजिए ताकि से आप वो वाले क्वेश्चन जो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं येट थोड़े स्कोरिंग है उनमें मार्क्स लेकर आ सके इसके बाद में अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करते हैं आठ चैप्टर्स आपके फ्लेमिंगो में है जिसमें से चार चैप्टर आपको पूछे जा सकते हैं और मैक्सिमम सारे बच्चों को द लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग डीप वाटर और द ट्रैप अब देखिए बच्चों आप ऑलरेडी यूटीज जो है वो लिख चुके हैं बहुत सारे बच्चों के यूनिट टेस्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं और इसीलिए अब मिड टर्म्स की बारी है तो आपको पता है कि यूटीज में लास्ट लेसन और लॉ स्प्रिंग जैसे चैप्टर्स पूछ लिए गए थे तो अभी यहाँ पर अगर एक टीचर के माइंडसेट से देखा जाए जो आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने कितना पढ़ लिया आपको कितना समझ आ गया तो ज्यादा फोकस किस पे करने वाले हैं ऐसे चैप्टर्स पे करने वाले हैं जो पहली बार टेस्ट किए जाएंगे ऐसे चैप्टर्स जो पहली बार टेस्ट किए जाएंगे ऐसे चैप्टर्स जिनके ऊपर आपसे ऑलरेडी सवाल नहीं पूछे गए हैं तो अपने आप ही डीप वाटर और रैट्रैप जैसे चैप्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके साथ साथ में डीप वाटर और रैड्रैप जैसे चैप्टर्स काफी ज्यादा ऐसे चैप्टर्स है जिनमें से आप एक्सट्रैक्ट बेस एमसीक्यूज काफी पूछ सकते हो आपको यहाँ पे राइटिंग स्टाइल क्योंकि डीप वाटर में तो पूरा ऑटोबायोग्राफिकल नोट है तो आप राइटिंग स्टाइल पे बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हो इनफैक्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हैं ये इन दोनों से बहुत बार, बार देखे जाते हैं अगर आप सैंपल पेपर्स देखेंगे तो इन दोनों से काफी ज्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं तो ये काफी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स आपके हो सकते हैं इसका कतई मतलब नहीं है लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग आपको नहीं पढ़ना है इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट आपके लिए डीप वॉटर और रैट्रैप होना चाहिए इसलिए भी क्योंकि आप ऑलरेडी लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग पहले पढ़ चुके हैं तो अभी आप खुद भी पढ़ना डीप वॉटर और रैट्रैप शुरू कीजिए ताकि आप उसके साथ में भी थोड़ा जस्टिस कर पाएं और इसलिए भी क्योंकि यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो पाँच पाँच नंबर के ये चैप्टर हो रहे हैं यहाँ पे अरे आप पाँच पाँच नंबर के चैप्टर हो रहे हैं तो अपने आप में वेटेज में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इस वजह से आपको इनको अच्छे से करके जाना चाहिए रही बात लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग की ऑलरेडी आप टेस्ट दे चुके हैं आप इन्हें अच्छे से वन शॉट से एक बार क्लियर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके बाद में अगर हम बात करते हैं विस्तास की और अजम्पन ले लेते हैं कि इसके अंदर भी तीन चैप्टर्स आ रहे हैं जैसे कि विस्तास के अंदर हम चैप्टर्स की बात अगर करते हैं तो हमारे पास में पहला चैप्टर आ रहा है द थर्ड लेवल ठीक है हमारा दूसरा जो चैप्टर है वो है टाइगर किंग और तीसरा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ अब ऐसे में क्या होता है बच्चे की मेंटालिटी होती है आपकी मेंटालिटी होती है जब मेरे को पढ़ना शुरू करना है तो मेरे को तो थर्ड लेवल पहले पढ़ना है नहीं अगेन वो यूटी वाला लॉजिक लगाते हैं ये आप ऑलरेडी इसका टेस्ट दे चुकी हो ये आपको पहले नहीं पढ़ना चाहिए पहले आपको किस पे फोकस करना चाहिए टाइगर किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पहला रीजन तो इसका ये है कि कि हो सकता है कि ये पहली बार टेस्ट किए जा रहे हों मतलब, ये, ये वो बच्चों को फुल्ली प्रिपेयर करे हर चैप्टर के लिए प्रिपेयर करे और उन्होंने ऑलरेडी उनको पता है कि वो यूटीज में ऑलरेडी पूछ चुके हैं तो नेचुरली वो किस में पूछेंगे ये वाले चैप्टर्स ये वाले मिड टर्म्स में ज्यादा पूछेंगे

तो ये दोनों ही चैप्टर्स जो हैं इनके इतने ज्यादा पीवाई क्यूज इतने ज्यादा मैं कह सकती हूँ क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है इसीलिए इन इन पे क्वेश्चन जब बनकर आते हैं टीचर भी चाहते हैं कि वो बार बार आपको टेस्ट करे और टीचर को भी पता है कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है नए चैप्टर्स उन्होंने डाले हैं तो सीबीएसई इनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा तो इसी वजह से ये दोनों चैप्टर अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब मैं ऐसा ही कोई वीडियो आपके बोर्ड से पहले भी बनाऊंगी तब भी याद रखिएगा कि इन चैप्टर्स को मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी अगेन इसी रीज़न की वजह से कि ये नए इंक्लूड हुए हैं तो इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं ज्यादा यू नो एक ऐसा हो सकता है कि ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बाकी सारे चैप्टर्स इतनी बार पूछ लिए गए हैं कि वो रेपिटेटिव हो रहा है सब यहाँ पर सीबीएसई को पता है कि वो एकदम से चेक कर सकता है बच्चों को क्योंकि इतने पी वाई क्यूज अवेलेबल नहीं है इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको अभी आपके जब आप पढ़ रहे हैं अपने हाफ एडीज के लिए तो सबसे पहले क्या करना है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तैयार करना है फिर तैयार करना है नोटिस राइटिंग इन्विटेशन फिर आपको तैयार करना है डीप वाटर रैट ट्रैप ठीक है आपकी पोएट्री आपका टाइगर किंग और जर्नी टू दी एंड ऑफ दी अर्थ आपने ये ट्राई करना है और पोएट्री के अंदर भी आप वो वाले पोम्स पहले ट्राई करेंगे जो आप पहले नहीं पढ़े हुए हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे अच्छा खासा टाइम देकर आप पढ़ने वाले एंड देन बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें चाहे तो एग्जाम से एक दो दिन पहले देख लीजिएगा या एग्जाम से एक दिन पहले देख लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी आप यूटी दिए हुए हैं ठीक है तो ये मेरा एनालिसिस है आई होप ये आपकी मदद करे अगर इन केस इनमें से और भी ज्यादा चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो इसी आइडिया से मैं तभी जब भी बताती हूँ लॉजिक से बताती हूँ इसी आइडिया से आप उन चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर कीजिएगा ठीक है अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ना शुरू नहीं किया है और आपको कोई आइडिया नहीं है कौन से चैप्टर्स है क्या है क्या नहीं है और आप अब जागे हो क्योंकि मिड टर्म सामने है तो डोंट वरी वी हैव गॉट यू कवर्ड क्योंकि मिड टर्म के लिए हम बहुत ही शानदार क्रैश बैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं और वो क्रैश बैच स्टार्ट हो रहा है टेंथ ऑफ ऑगस्ट से कब से टेंथ ऑफ ऑगस्ट टेंथ ऑफ ऑगस्ट से वो शुरू हो रहा है और इसके अंदर आपको सारे टीचर्स आपके मिड टर्म का सिलेबस जो है वो कवर कराने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चे बढ़िया रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं लाइव हमारे साथ में और ऐसे बच्चे जो शुरुआत से नहीं जुड़े हैं उन्हें लग रहा है बहुत बैकलॉग हो गया है डोंट वरी आप टेंथ ऑफ ऑगस्ट से हमें ज्वाइन कर सकते हैं हम एकदम स्टार्टिंग से आपको लाइव में सारी चीजें एकदम कवर करा देने वाले हैं और आप मिड टर्म के पहले एकदम तैयार हो जाने वाले हो अगर अभी तक भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया ये बैच बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको अन अकेडमी के स्टोर वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप आधा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे ये टेंथ अगस्त वाले बैच को सब्सक्राइब करने के लिए एस डी सी एटीन कोड आप लगा लीजिए इससे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट देखो बच्चों एक बहुत ही कमाल की और दिल से मारवाड़ी वाली बात आपके साथ में करना चाहती हूँ कि एक तो टेंथ अगस्त वाला हाफ एयली मिड टर्म्स को क्रैक करने वाला बैच जो है वो ऑलरेडी बहुत सस्ता है ठीक है आपके फुल टर्म वाले बैच से कोर्स ये एक सस्ता होगा हाफ टर्म वाला बैच है तो आपके लिए एक तो बहुत ही ये सस्ता होगा दूसरी चीज मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर अभी चल रहा है हमारा एकदम खतरनाक फेस्टिवल फ्रीडम फेस्टिवल अब ये जो फ्रीडम फेस्टिवल है ये चलेगा बारह अगस्त तक तो आपको 20% परसेंट का डिस्काउंट भी मिल रहा है तो ऑलरेडी आपका यह बैच सस्ता है उसके ऊपर से आपको 20% परसेंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से अभी आपके पास में एक स्टील डील है इसको जाने मत दीजिए और ये ऑफर को अभी, अभी अवेल कर लीजिए यूजिंग माई कोड एस ये हमारी पूरी हमारी पूरी जनता का कोड है ठीक है हमारा अपना कोड है इसे यूज करके आपको मिलेगा ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट अगर आप सोच रहे हैं मुझे सिर्फ बैच का हिस्सा नहीं बनना है मुझे प्लस सब्सक्राइब करना है तो हमारे पास नाइन मंथ्स ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ सारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं नाइन मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे तो आपको एक महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल रहा है और बीस परसेंट का डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है तो जल्दी से एच डी सी लगाइए और आ जाइए अन अकेडमी प्लस और आइकॉनिक पर आई होप ये वीडियो ने आपकी मदद की होगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन टिल देन बाय बाय टेक केयर